सो हम ये सारी जो बातें कर रहे हैं वो बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब पिछले 10 साल के जो पूरे के पूरे विकास है उसके बेनिफिशियरी हैं। एज ए एंटरप्रेन्योर हम सब लोगों ने उसका लाभ लिया और आगे 20 साल तक 30 साल तक हम लाभ लेना चाहते हैं। मतलब किसी भी चीज का यदि बेनिफिशियल, मतलब यदि अपन एक बार जोरदार तालियों की स्वागत गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय सी आर पाटिल साहब नो। आमंत्रण आपीश निरंजन भाई साहब ने, प्लीज आप आओ अने मंच आप संभालो साहेब श्री। जोरदार तालियों की स्वागत सी आर पाटिल साहब नो। नंबर निवेदन करीश माननीय निरंजन साहेब आप प्लीज अहीं आवो अने स्टेज पर आपनो वक्तव्य आपो। साहेब बीएनआई एंटरप्रेन्योर कॉन्क्लेव में अपनी वच्चे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश ना आदरणीय अध्यक्ष सौथी 2019 में सौथी वधारे लीड थी जीती ने संसद में जेमणे 5 वर्ष सूरत अने नवसारीनु प्रतिनिधित्व कर्यु छे तेवा अने हालमां 2024 लोकसभानी चूंटणीमां नवसारी सीट उपरथी चौथी वार जेवो उमेदवारी करवाना छे तेवा अने भारतनी 100 प्रभावशाळी व्यक्ति पैकीना एक एवा अमारा मार्गदर्शक आदरणीय पाटिल साहेब सूरत लोकसभाना लाडीला उम्मेदवार श्रीमान मुकेश भाई दलाल अमारा लिंबायतना धारासभ्य श्रीमती संगीताबेन पाटिल सूरत महानगरपालिकाना स्थायी समितिना चेरमेन श्रीमान राजनभाई पटेल उपस्थित सौ भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर ना आमंत्रण ने मान आपीने आप बधा ज आ कॉन्क्लेव में भाग लेवा माटे उपस्थित रह्या छो त्यारे भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर वती हूँ आप सौनु हृदयपूर्वक स्वागत करू छु आवकारू छु धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो आज बीएनआई के प्लेटफॉर्म पे हम एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं जहां पे कि सी आर पाटिल साहब आए हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग जो इस शहर के हैं वो सब आए हैं, तो मैं सबसे पहले तो बीएनआई की तरफ से उन सबका स्वागत करना चाहता हूं। और मैं साहब को यहां बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग रखना चाहता हूं जो मेरे साथ अभी अभी अर्जेंटीना में हुआ है, क्योंकि वो बहुत रिलेवेंट है ये जानने के लिए कि क्या परिवर्तन आया है। तो मैं अभी कल शाम को वापस आया हूं, 25 दिन अर्जेंटीना था, अंटार्कटिका गया था। एक ऐसा कंट्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे साल में बॉम्बे कॉन्सुलेट से केवल 500 वीजा अप्रूव होते हैं। मतलब मैंने वहां पूछा कि भाई कितने वीजा जाते हैं, तो महीने में 30 से 40 एप्लीकेशन आती है और 500 लोग जाते हैं। उस कंट्री में प्रमुख रूप से हिंदुस्तान को कोई नहीं जानता है, मतलब क्योंकि कोई कल्चरल बहुत बड़ा डिफरेंस है साउथ अफ्रीका अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी उसका लास्ट कंट्री लास्ट फ्रंटियर ऑफ द वर्ल्ड है। उस कंट्री में मैंने जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने किसी आदमी से पूछा तो उसने पहला बोला हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो, तो बोले साहब योर लीडर नरेंद्र मोदी। तो वो तो एक जबरदस्त हुआ। उससे बड़ी बात बताता हूं जो मेरे साथ में, और मुझे लगता है कि वो हमारे को किस लेवल तक इंपैक्ट डाला है मोदी साहब ने,
वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अल कटा कला फाटा करके एक जगह है वहां पे, विच इज अ टूरिस्ट प्लेस। वहां पे हम होटल में रुके, तो होटल में रुकते ही सामने एक बोर्ड था योगा, 1 आवर डेली योगा। वी वर सरप्राइज, हम सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या चीज है। अल कला फाटा में जहां कोई आदमी 25 दिन में मेरे को एक हिंदुस्तानी नहीं मिला, वहां पे योगा, जहां पे स्पेनिश कोई जानता नहीं इंग्लिश वहां पे। तो हमने कहा उत्सुकता में कि भाई ये तो योगा है तो करना पड़ेगा। तो गए हम शाम को 1 घंटा 6 से 7 रोज डेली उस होटल में योगा होता है। वो लेडी आई, 4-5 जने स्विट्जरलैंड के कुछ कपल थे, एक कपल कोई कनाडा का कपल था, उन्होंने और हम 5-6 जने योगा कर रहे। उस लेडी ने 1 घंटा पूरा योगा कराया और आप जान के मुझे खुशी इस बात की है, सारे मंत्र जो वो चला रही थी वो हमारे वैदिक मंत्र थे। उस लेडी को इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, उस लेडी को कुछ मालूम नहीं, बट शी जस्ट फॉर 1 आवर सौभाषण ओम पूरी चैंटिंग सब कुछ उसने करी। और फिर मैंने उनसे जब ये खत्म हो गया 1 घंटे का, मैंने उनसे पूछा कि मैडम ये कहां से सीखा। ग्रेट थिंग शी टोल्ड, फर्स्ट थिंग शी टेल, ग्रेट थिंग आई लर्न फ्रॉम एन इंडियन टीचर हु हैज कम टू बुएनोस आयरेस फ्रॉम अमेरिका। मतलब आप प्रभाव देखे हैं कि हिंदुस्तान से कोई अमेरिका गया, अमेरिका से कोई अर्जेंटीना गया, अर्जेंटीना के कैपिटल में कराया, और एक होटल जिसका हिंदुस्तानियों से कोई लेना देता नहीं है, मेरे ख्याल में पूरे पूरे साल में वहां 2 हिंदुस्तानी नहीं रुकते होंगे, उस होटल में योगा हो रहा है। क्या डीप इंपैक्ट। मतलब हमने जड़ों पे काम किया है, जो पिछले 10 सालों में हुआ है ना वो असंभव है। मतलब मैं लिस्ट इतनी लंबी है कि क्या बुलेट ट्रेनें आई, कितनी IIM आए, कितने IIT आए, IIIT 15 आए, उसकी संख्या तो बोली नहीं जा सकती, 80 एयरपोर्ट आ गए, उन सब के बारे में बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये चीज़ हुई है ये बहुत ही अद्भुत है। और मैं इसी के साथ में पाटिल साहब को इन्वाइट करना चाहता हूं, जो हमारे सबसे ज़्यादा लाडिले हैं, मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रभाव डाला है सूरत के ऊपर, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा क्रेडिट साहब को जाता है। तो मैं चाहूंगा कि साहब प्लीज आए और अपने मंतव्य से सबको प्रभावित करें। गौरव, अर्जेंटीना कितने दिन रहे थे गौरव? मोटे हो गए? आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सूरत के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी सूरत शहर के अध्यक्ष श्री निरंजन भाई जाजमेरा, हमारे सूरत शहर 24 लोकसभा के कैंडिडेट पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री मुकेश भाई दलाल, लिंबायत के विधायिका श्रीमती संगीता बेन, कॉर्पोरेटर और पूर्व स्टैंडिंग चेयरमैन श्री परेश भाई पटेल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री राजन भाई पटेल, सीए गौरव सिंघवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरत BNI, यहाँ पर उपस्थित BNI के सभी मेंबर्स, भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन। BNI के बहुत से कार्यक्रम में मैंने अटेंड भी किए हैं और आप लोगों को कई बार वहाँ पर मिलना भी हुआ है, पर थोड़ा बीच में गैप हो गया था, पता नहीं गौरव कोई और किस में लग गया, पर BNI की तरफ उसका ध्यान थोड़ा कम हो गया था या फिर मुझे नहीं बुलाता था, कुछ तो था। मगर जब फोन पर बात हुई परेश भाई के साथ तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूँ और मैं 9 तारीख को आ जाऊँगा, 10 तारीख को अगर कार्यक्रम करते हैं तो एक अच्छा कार्यक्रम सबको मिलने का हो जाएगा। हमने आज की तारीख तय कर ली, मैं तो सुबह अमरेली था, फिर वहाँ से बड़ौदा गया और बड़ौदा से एक कार्यक्रम के लिए थोड़ा जल्दी आ गया, मगर थोड़ा आप लोग लेट हो गए। चलते हैं, आप मेहमान हो कभी भी आ सकते हो।
मैं तो इसके लिए भी आपके साथ बात करना चाहता कि जो बी एन आई उसका तो मूलभूत उद्देश्य या उसके साथ जुड़े हुए जो आप सब लोग हो, कोई ना कोई बिजनेस के साथ जुड़े हो, ये तो अभी एक इम्पैक्ट की बात है, छोटा इम्पैक्ट पर फिर भी बहुत असरकारक इम्पैक्ट की बात जो गौरव जी ने आज कही, मैं जरूर मैं बड़े साहब को ये शेयर करूंगा कि यहाँ इस तरह का अनुभव आया था कि आपका योगा का प्रचार वो अर्जेंटीना के एक होटल तक पहुंच गया कि जहाँ कोई इंडियन कम से कम लोग जाते हैं। तो एक बड़ी बात है और वो उनको उन तक मैं जरूर पहुंचा दूंगा। मगर एक योगा का इतना प्रभाव है तो मोदी साहब ने जो किया है उसका तो कितना प्रभाव होगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर आपका समय नहीं लूंगा, मगर इतना जरूर कहूंगा एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो नेहरू गांधी कुटुंब से नहीं है, आपके पास सही है कि आने वाला भी नहीं है, मगर एक पहला एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ है और पहले जितने प्रधानमंत्री आए, जवाहरलाल नेहरू आए, इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, नरसिंह राव आए, मनमोहन सिंह आए, जो भी बीच में जो भी आते गए उनको कांग्रेस पार्टी ने उनको नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, अपने बलबूते पर कोई देश में पहला प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी साहब है जो पहले न उनके घर में से कभी कोई पॉलिटिक्स में था, न उनके बाद कोई है। पहले लोग जिसको रखते थे वो बैठ जाता था, प्रधानमंत्री बन जाता था। 2014 के पहले मोदी साहब ने डंके की चोट पे कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। आज तक ऐसा कहकर कोई प्रधानमंत्री बना हो, जीता हो, तो पहला प्रधानमंत्री है। इस बात का महत्व इसके लिए है कि यहां पर 543 सीट है, 30 साल से कोई एक पार्टी को कभी भी बहुमत नहीं मिला। ऐसे समय में 30 साल के बाद पहली बार डंके की चोट पे प्रधानमंत्री बनने का ऐलान करते हुए 283 सीट सिंगल पार्टी को बहुमत, वो भी मोदी साहब ने हासिल किया। सब पार्टी की एक अपनी विचारधारा होती है, सब पार्टी की एक वोट बैंक होती है, सब पार्टी का एक नेता भी होता है, मगर एक अलग प्रकार का नेता है। डेवलपमेंट के नाम पर पॉलिटिक्स करना, यानी राजकीय पंडित जो कहते हैं कि ये सुसाइड है। आप चाहे कितना डेवलपमेंट कर लो, कितना भी विकास कर लो, उसके नाम पे कभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। सूरत भी उसका उदाहरण है कि सूरत में कई सालों से भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट का काम करती है, मगर बीच में 99 सीट में से बीजेपी 60 सीट पे आ गई थी। इतना डेवलपमेंट के बाद के जमा में लगता था कि हम 15-20 साल तक अगर कोई प्रचार नहीं करेंगे तो भी जीत जाएंगे, उसके बजाय 10 सीट ज्यादा नहीं मिलती तो सरकार बीजेपी नहीं बना पाती, सूरत कॉरपोरेशन नहीं बना पाती, ऐसी हालत हो गई थी। और वहां पर मोदी साहब ने गुजरात का मॉडल सबके सामने रखते हुए, गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसको सबके सामने रखते हुए, पूरे देश के लोगों को प्रभावित करते हुए उन्होंने बहुमत भी प्राप्त किया
और जो विश्वास दिलाया था विश्वास भी उन्होंने सार्थक कर दिया। लोग जो चाहते थे उनसे, वो जो कहते थे देने का, वो सब कुछ मोदी साहब ने दिया, मगर फिर भी अपने स्टाइल से दिया। कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई समाज मोदी साहब पर दबाव डालकर कुछ ले जाए या अपनी बात मना ले, ये कभी मोदी साहब के समय में ना संभव हुआ है ना होगा। पॉलिटिकल कोई लीडर इतना मजबूत हो सकता है, इतने मक्कमता से किसी को ना भी कह सकता है, उसका अगर कोई उदाहरण है तो नरेंद्र मोदी है। अभी तक जो भाषा, प्रांत, ज्ञाति, पेटा ज्ञाति, उसके आधार पर इलेक्शन लड़ा जाता था, मोदी साहब ने डेवलपमेंट के नाम पर सभी को अलग कर दिया। कोई ज्ञाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई प्रांत नहीं, सबको एक करते हुए उनका जो एजेंडा बना और डेवलपमेंट के साथ सभी सेक्टर के लोगों के लिए उन्होंने वो काम किया। जैसे महिला है, इस महिला जो आज अपने को आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो मोदी जी की वजह से है। आज उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें हर जगह पर मौका मिला नेतृत्व करने का, वो मोदी साहब की वजह से है। इस देश की सीमा का सुरक्षा की जवाबदारी भी महिलाओं को वहां पे नेतृत्व करने को मिला, वो नौका दल हो, भूमि दल हो, आकाश में हो या पाताल में, हर जगह पर अगर हमारी सीमा की कोई सुरक्षा कर रहा है, उसका नेतृत्व कोई कर रहा है तो महिला कर रही है। उन्होंने पूरे देश और दुनिया को दिखाया कि हमारे देश की महिला वो कितनी सक्षम है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकती है। 26 जनवरी के इस परेड के अंदर जो 12 प्लाटून थे उसमें से 11 प्लाटून वो महिलाओं के थे। ऐसा मौका कभी कोई भी देश में कोई महासत्ता ने भी अपने यहाँ के महिलाओं को नहीं दिया। जो चंद्रयान चंद्र पर गया, जिसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, वो जो साइंटिस्ट की टीम थी उसके अंदर भी 50% महिलाएं थी। यानी साइंस की बात हो, साइंटिस्ट बनना है, सीमा की सुरक्षा करनी है, हर जगह पर पॉलिटिकल नेतृत्व करने के लिए मोदी साहब ने 33% इस देश के सभी स्टेट में और लोकसभा में भी 33% का रिजर्वेशन दिया, और वो भी इलेक्शन के बाद, आने वाले इलेक्शन के पहले मिलेगा। दूसरा कोई नेता होता तो अभी दे देता कि उनको वोट चाहिए, और मोदी साहब वोट को देखकर नहीं करते, ये उन्होंने इस बार भी फिर से साबित कर दिया कि हम उनको अधिकार दे रहे हैं मगर 29 को मिलेगा, इस इलेक्शन में तो नहीं मिलेगा। इतनी ताकत के साथ बात करने वाले बहुत कम नेता इस देश में आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, नरेंद्र मोदी आए, बाकी बहुत ऐसे इतनी ताकत के साथ काम किसी ने जीत करने वाले आए होंगे, मगर ताकत से देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करने वाले बहुत कम लोग आए। मैं तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी साहब 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री पहली टर्म में रहे, वहां तक उन्होंने पॉलिटिक्स किया, मगर 19 से 24 तक में उन्होंने कोई पॉलिटिकल निर्णय नहीं किया। उन्होंने देश को, देश के लोगों को केंद्र में रखते हुए इतिहास लिखने का काम किया। जो मैंने कहा ना कि एक बहनों के लिए काम किया, एक सेक्टर उन्होंने कर दिया, युवाओं के लिए काम किया,
उसके लिए संकल्पबद्ध हुए। उन्होंने बैंकों को कहा कि हमारे देश के युवा वो सक्षम है, वो स्वावलंबी बनना चाहते हैं, उनको लोन दीजिए, उनके पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है, उनको जो लोन दोगे वो भी विदाउट इंटरेस्ट का लोन दीजिए। बैंकों ने जब भी मोदी साहब को कहा था कि सर हम लोन भी देंगे बिना ब्याज का भी देंगे, मैं उसका गारंटर कौन बनेगा? आपको शायद पता होना चाहिए, पता होगा भी शायद, कि पहले प्रधानमंत्री है पूरी दुनिया में कि जिन्होंने अपने देश के युवाओं पर विश्वास करते हुए बैंकों को कहा कि ये मेरे देश के युवा प्रामाणिक है, वो सक्षम है, वो टैलेंटेड है, आप उसको लोन दीजिए, मैं उसका गारंटर हूँ। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री, उसका गारंटर है। पूरी दुनिया में कभी कोई महासत्ता से लेकर कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष, कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री ने अपने देश के युवाओं पर इतना भरोसा नहीं किया, मोदी साहब ने किया। उन्होंने तीसरा इतिहास लिखा आज तक, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो किसान, जिसको हम जगत का ताज कहते थे, वो आज लाचार स्थिति में है, मगर कोई भी सरकार ने आज तक उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई। मोदी साहब ने कहा कि जो अन्नदाता है वो अन्न पैदा करता है, इसके लिए हम अन्न खा सकते हैं, वो लाचार कैसे हो सकता है? उसको अगर कोई समस्या हो तो डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी मामलादार जैसे छोटे अधिकारी को भी वो पत्र लिखता है, अर्ज करता है, विनती पत्र भेजता है, अपनी लाचारी प्रकट करता है कि बहुत तकलीफ में है, कुछ ना कुछ मदद कीजिए, मगर उसको मदद नहीं मिलती क्योंकि सरकार ने कभी कोई योजना नहीं बनाई। मोदी साहब ने पहली बार योजना बनाई, उसको 3 हफ्ते में हर साल 6,000 रुपया बिना एप्लीकेशन, कोई लाचारी प्रकट नहीं करनी है, न कोई बिचौलिया होगा, न कोई दलाल होगा, उसके बैंक अकाउंट में सीधा साल का 6,000 रुपया जमा होता है, समय पर होता है, उसके लिए किसी को फोन नहीं करना है। ये व्यवस्था भी मोदी साहब ने पूरे देश के किसानों को उसके लिए योजना बनाई, ये भी पहली बार ये योजना बनी, वो भी इतिहास लिखा गया। उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, इंदिरा गांधी ने कहा था ना गरीबी हटाओ, कोई सूत्र नहीं दिया मोदी जी ने, वो उन्होंने 140 करोड़ जो आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। ये कोई मोदी के फिगर नहीं है, ये रिपोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने पूरे दुनिया के सभी देशों का जो रिपोर्ट निकाला उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के शासन में 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। ये मोदी जी का इतिहास है, मोदी जी का अचीवमेंट है। बड़े बड़े जो राष्ट्र है, महासत्ता है, उन्होंने भी कहा कि जो हम नहीं कर पाए वो मोदी जी कर पाए, इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो ऐसे प्रधानमंत्री। अभी उन्होंने हर सेक्टर में काम किया। इतिहास लिखने के बाद मैं थोड़ा सा आगे और लेके जाता हूं। जो हम रेलवे में प्रवास करते थे वो सबसे दुखद प्रवास था। आप कोच में जाओगे तो पंखा नहीं चलेगा, वॉशरूम में जाओगे तो पानी नहीं आएगा, अंदर इतनी गंदगी होगी, ट्रेन कभी समय पर नहीं चलेगी, चलेगी तो धीरे धीरे चलेगी। मोदी साहब ने ये रेलवे का प्रवास सुखद कर दिया। अगर मुझे यहाँ से गांधीनगर जाना है, अहमदाबाद जाना है, तो यहाँ से सुबह फ्लाइट चलती है 7:45 बजे जो 9 बजे पहुँचा देती है 1 घंटे में, और यहाँ से 9 बजे वंदे भारत चलती है वो 11 बजे पहुँचा देती है। बिल्कुल अच्छे से वहाँ नाश्ता मिलता है, एसी कंपार्टमेंट है, स्वच्छता है, समय पर ट्रेन चलती है,
और जो ट्रेन चलती थी बाबा आदम के समय की, उससे ज्यादा 160 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। 2 घंटे में आप बैठोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, नाश्ता करोगे, मोबाइल खोलोगे, जब तक तो अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। जो सबसे दुखद प्रवास था उसको सुखद प्रवास मोदी साहब ने बना दिया रेलवे का। और उसकी विशेषता भी देखिए कि पहले अगर हमें एक कोच लाना होता था तो भी बाहर से मंगवाना पड़ता था, आज ये 20 कोच की ट्रेन, उसका इंजन, उसके जो इंजीनियर है, उसकी जो डिजाइन बने वो भी हमारे भारतीय लोगों ने बनाई है। पूरी ट्रेन हमारे हिंदुस्तान में बनती है, उसका एक स्क्रू तक भी विदेश से आया तो नहीं होता, पूरी ट्रेन स्वदेशी है, स्वदेश में बनती है। और उसकी स्पीड क्या है, ट्रेन दौड़ती है 160 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर, मैं ट्रेन बनाने की स्पीड में हर एक हफ्ते में एक ट्रेन 20 कोच की पूरी बन जाती है। ये मोदी साहब उसका भी इतिहास लगते हैं। पहले एक एम्स हुआ करता था, एक एम्स में एडमिशन के लिए लोग आते थे, हम सांसद चिट्ठी लेके लिख के देते थे, मगर वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि एडमिशन नहीं होता था। मोदी साहब ने कहा कि एक एम्स क्यों, पूरे देश में सभी राज्यों में एम्स होने चाहिए। उन्होंने गुजरात में राजकोट को एम्स दिया, उसका लोकार्पण किया और उसके साथ बाकी 6 जगह में यहीं से लोकार्पण किया, वर्चुअल लोकार्पण किया। एक दिन में 7 एम्स का लोकार्पण, वो भी मोदी साहब ने इतिहास लिख दिया। सूरत का एयरपोर्ट को आप तो पता ही है, बहुत आप लोगों को फरियाद होती थी, धीरे धीरे वो कंप्लेन कम करने के लिए हम कोशिश करते थे। पहले तो एक फ्लाइट आता था, उसका किराया भी इतना महंगा था कि कोई सोचता नहीं था। आज करीब 76 फ्लाइट आती जाती है, 76। कभी सूरत के लोगों ने सोचा नहीं था। आज पहले अगर किसी को दिल्ली जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो सूरत में रहने वाले पहले फ्लाइट का पूछते हैं कि फ्लाइट है क्या, उसमें टिकट है क्या, नहीं है तो ट्रेन का सोचेंगे। वो फ्लाइट वाला, वो एयरपोर्ट, मोदी साहब ने अभी 15 दिन पहले एक साथ पूरे देश में 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया। जहां एक एयरपोर्ट नहीं बनता था, वहां 15 एयरपोर्ट एक साथ लोकार्पण। और सूरत का एयरपोर्ट तो उसका रनवे स्टैंडर्ड हो गया, उसके लिए टैक्सी वे बन गया, उसके दोनों ओर बिल्डिंग बन गई और उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया। यहाँ से अभी इंटरनेशनल फ्लाइटें 2 शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में आपको और भी फ्लाइट कनेक्टिविटी सूरत से ही मिल जाएगी। ये मोदी साहब की देन है, ये मोदी है तो मुमकिन हुआ है। मैं आपको ये सब बातें इतने इसके लिए थोड़ा कहा कि कई बार आप पढ़ते हो मगर उसको इतने डीप में नहीं जाते कि कैसे हो रहा है। आप तो सब व्यापारी हो, आपको पता है कि जब मनमोहन सिंह जी थे उसको बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माना जाते थे, उनके टाइम में भी हमारा देश 11वें नंबर से आगे नहीं बढ़ा। मोदी साहब ने 10 साल में चाय वाला, कांग्रेस वाले कहते हैं चाय वाला अर्थशास्त्र क्या समझेगा, मोदी ने अर्थशास्त्र ऐसा समझा कि उन्होंने 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गए और आने वाले टर्म में 30वें नंबर पे आने का वादा उन्होंने किया है। आज हमारा शेयर बाजार जो वातावरण देश में है उसकी वजह से कभी सोचा नहीं था, जब मोदी जी आए थे जब शेयर मार्केट 22,000-23,000 पर चलता था, मेरा तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है पर मुझे किसने बताया था कि देखो मार्केट 50,000 को छू लेगा, मैंने क्या क्या पागलपन की जैसी बात करते, अभी तो 22,000 तो यही तो खड़ा है, नीचे ऊपर होता है, आज 75,000 तक पहुंच गया। ये देश की प्रगति, देश का उज्जवल भविष्य, वो उसके अंदर प्रतिबिंबित होता है। और इस वातावरण के अंदर
हमें मौका मिलता है कि ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार हैट्रिक करके प्रधानमंत्री बनाने का मौका हमें मिला है। वो तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उन्होंने दिया है बात के सूत्र दिया है कि इस बार 400 पार करना है, वो 400 पार भी हो जाएगा, मगर आप सबका योगदान उसमें चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आपके मोबाइल में 2000 3000 या उससे भी ज्यादा नंबर सेव होंगे, जो आपके नंबर है वो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके साथ पढ़ते होंगे, आपके बचपन के दोस्त होंगे, आपके साथ व्यापार से जुड़े होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, वो सिर्फ सूरत या नवसारी लोकसभा में नहीं, पूरे गुजरात में और पूरे देश में अलग अलग स्टेट में रहते होंगे। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप उस सभी नंबर के ऊपर रोज सुबह में एक मैसेज कर दीजिए कि इस बार मोदी जी को हैट्रिक करके प्रधानमंत्री बनाना है। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, इस बार मैं एक वोट मांगता हूं, वो भी मोदी जी को जिताने के लिए मांगता हूं। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके व्यापारी आपकी बात नहीं टालेंगे। इतने लोग बैठे हैं यहां पर, इसको अगर हम 3000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने वोट होते हैं, और उनके घर के और उनके दोस्तों के वोट 400 नहीं, 400 के पार भी हम जा सकते हैं, और उसमें आपका योगदान चाहिए, इसके लिए मैं आज आपको मिलने आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, देश की नाड़ को आप अच्छी तरह से समझते हो, देश किस तरह से गति कर रहा है ये भी आप अच्छी तरह समझते हो, सर्वांगीण विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे देश की संस्कृति को भी मोदी साहब ने उजागर कर दिया है। राम लला का मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस कहती थी कि भाजपा वाला कहते हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मोदी साहब ने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, आमंत्रण भी दे दिया। काशी विश्वनाथ का सबसे बड़े महादेव वहां बैठे हैं, सबसे ज्यादा गंदा स्थल था, मोदी साहब ने वहां पर कॉरिडोर बना दिया, आज आप देख सकते हो कि काशी का डेवलपमेंट कितना है। पहले 1,00,000 लोग रोज आते थे और 7 फ्लाइट चलती थी, अभी वह करीब 60 से ज्यादा फ्लाइट चलती है और 2.5-3 लाख रोज दर्शन के लिए आते हैं, इतना डेवलपमेंट वहां पर कर दिया। मोदी साहब ने अभी द्वारका आए थे, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, वो दरिया में डूब गई है, हमें विश्वास है, हमने देखी नहीं मगर हम मानते थे, हमारा विश्वास था कि भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी दरिया में कहीं पर है। मोदी साहब ने 70-80 फुट नीचे जाकर उस नगरी को खुले हाथ से स्पर्श किया, उन्होंने भगवान कृष्ण को जो सबसे प्यारा है मोर पीच, वो वहां अर्पित किया, और जो हमारी संस्कृति है योगा, वहां पर योगा भी किया, और पूरी दुनिया को दिखाया कि ये भगवान कृष्ण की द्वारका अभी भी वहां पर है, और उसके एविडेंस उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया। ये मोदी है कि विकास यानी सिर्फ सर्वांगीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सबको साथ सबका विश्वास, ये उनका मूल मंत्र है कि सबको साथ लेकर चलो, सबका विश्वास जीत कर चलो, सबको साथ में जोड़ कर चलो, और इसीलिए मोदी साहब के लिए हर कोई एक व्यक्ति कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक सूत्र दिया है कि फिर एक बार अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने तो 2029 का भी सूत्र अभी से तय कर लिया है कि हर बार मोदी सरकार। तो 29 के पहले
हम जरूर मिलेंगे, मैं 24 में 400 पार करने के लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आज आप सब लोग समय निकाल के आए हो, आज वर्किंग डे फिर भी आप आए हो, मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ और फिर से विनती करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर इतिहास लिखें। मोदी जी को हैट्रिक तो होगी होगी, मगर 400 पार का इतिहास हम सब मिलकर लिखें, यही विनती के साथ मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। जय जय गरीब गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब आपका, और मुझे लगता है कि हमारे